हेलो नमस्ते, मेरा नाम है आसिफ हूँ और आज मैं कच्ची मेमो स्टाइल के ढोकड़े जो बाजरे के आटे के बनाने के रहते हैं, तो कच्ची में तो अभी नहीं बोलूंगी क्योंकि कच्ची में बोलती हूँ तो फिर कमेंट आती है कि हिंदी में वीडियो बनाओ, तो हिंदी में बोलती हूँ। पर मेमो स्टाइल के ढोकड़े है तो आप पहले सब वेजिटेबल देख लो, प्याज है, टमाटर है, ये चने की दाल जिसको हरभरे की दाल भी बोलते हैं, इसमें मैंने क्या क्या रात से भिगो के रखने का है, ये वट्टाने हैं, काले चने हैं और ये रिंग बैगन और ये आलू है, गवार है और ये वालोर है जिसको वालोर भी बोलते हैं और मराठी में इसको घेवड़ा भी बोलते हैं, प्याज है और ये 25 करी लहसुन की पेस्ट है, नमक इसमें डाला है। इधर मैंने क्या किया है, ऑयल डाला है, इसमें थोड़ा ऑयल एक्स्ट्रा लगेगा तो ऑयल डाला है। तो खट्टा मीठा दोनों बनाऊंगी ढोकरे, तो इसमें 3 बड़ी कटी हुई प्याज डालती हूँ, प्याज को थोड़ा ब्राउन होने देने का है। तो हमारे में ढोकरे बाजरे के आटे के भी बनाते हैं, मैं बाजरे के आटे की बनाऊंगी और फिर उसमें हमारे में एक दाबरा भी बनाने का रहता है तो फिर वो मैं भी साथ में बनाऊंगी, तो आप देखना ये वीडियो। तो थोड़ा प्याज को है ना थोड़ा ब्राउन होने देती हूँ, लाल होने लगी है, इसमें ये कटे हुए 5-6 कटे हुए टमाटर है वो डालते हैं। इसमें क्या करती हूँ, अभी जो ये है ना जिसको थोड़ा गलने में देर लगी थी वो पहले डालती हूँ, मतलब चने की दाल निकाल दू। क्योंकि ये सब जरा कठोर को देर लगेगी, और ये चना और बटाने आप ज्यादा कौन सी सब्जी वो खाते हो डाल सकते हो। तो जो मीठे ना वो भी मैं भी आज फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मम्मी को पूछ के, तो आप अभी देखना। और दूसरे वो आलू है ना वो जरा बाद में डालती हूँ, टमाटर थोड़ा गल लेंगे तो ये सब साथ में सब मसाले भी डालती हूँ, ये लहसुन की पेस्ट है, अदरक नहीं डाला। तो मेरे चैनल पे आपको कितनी मेमो डिश मिल जाएगी, ये हल्दी पाउडर धनिया पाउडर खोलिए लाल मिर्च पाउडर। तो ज्यादा सब पतीले में बनाते हैं पर मैं डायरेक्ट कुकर में जिसकी ये जो ये ग्रेवी करने की रहती है वो डायरेक्ट कुकर में करती हूँ, और फिर जो वो ढोकरे है ना वो मैं पतीले में करूंगी अलग से। अब बोलोगे कितना ये है, और ऑयल इसमें रहता है थोड़ा, मेमन डिश रहती है तो हमारे में ऑयल ज्यादा डालते है, पर आपको नहीं डालने का रहा तो आप मत डालना। तो इसको जरा सा पानी डाल के अच्छे से थोड़ा ये भूनती हूँ। कितने दिन से ये बनाने का था वीडियो मेमो स्टाइल ढोकला, पर अभी होता ज नहीं था, फिर आज इसका मुहूर्त हो गया बनाने का, तो थोड़ा इसको अच्छे से भून लू। देख रहे हो अच्छे से भूनने लगा है मसाला। अभी इसमें जो दूसरे वेजिटेबल्स है वो मैं डालती हूँ, मतलब ये आलू, गवार, वालोर जिसको गेवरा भी बोलते है। तो आपको कौन सी भी सब्जी कम ज्यादा हो पसंद हो तो वो आप डाल सकते हो आपके हिसाब से। तो अभी इंशाल्लाह ये जरूर डिश बनाना और मुझे यहाँ से कमेंट में भी बताना कि आपको कैसी लगी। और ये बैगन अच्छे से तो गड़बड़ हो गई कुछ, अच्छे से भूनती हूँ इतने वेजिटेबल से वो, और मेहमान है तो थोड़ा तेल एक्स्ट्रा लगेगा। तो बाजरे के आटे के भी बताऊंगी और हमारे में एक मीठे बनाते हैं जिसको दाबरा बोलते करके, आप देख सकते हो सब वेजिटेबल्स।
अभी इसमें पानी डालती हूँ और इसकी सब वेजिटेबल गल जाए उतनी दो तीन सीटी करती हूँ। कौन कौन इसको पतीले में बनाते हैं, मुझे लगा था मैंने जब वीडियो बना रही थी तो मुझे एक बाल दिखा था, वो तो देख के निकाल दूँ और थोड़ा वीडियो कट करती हूँ। मेरा चालू था ना तब मुझे पता चला कि इधर एक बाल दिखा था, इसके लिए वो निकालने के लिए मैं वीडियो बंद करी थी। आपको पता है मैं मेरे चैनल पे थोड़ा जितना हो सके उतना सच और क्लियर बात करने की करती हूँ। आपको दिखा होगा नहीं दिखा होगा पता नहीं, पर मुझे कैमरे में दिखा तो इसके लिए मैं निकाली वो। तो अभी इसमें एक बड़ा ग्लास जितना पानी डाला है और इसके दो तीन सीटी करती हूँ और फिर अभी ढोकला कैसे बनाने का वो स्टेप भी बताती हूँ। तो इसके दो तीन इधर कुकर की सीटी आ रही है, तो इधर बाजरे का आटा जो वो ढोकले बनाने के, तो उसके लिए ये कटी हुई प्याज है और ये कोथमीर है, तो ये इसमें। तो आप याद से मुझे कमेंट में बताना, और आप देखते होंगे मैं मेरी गलती जो रहती है वो मैं मेरे खुद मेरे चैनल पे मैं बता देती हूँ। नमक डालती हूँ, ये लाल मिर्ची पाउडर और तेल, बोलते हैं ना मोर डालने का रहता है। दो बड़े चम्मच इतना अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। कभी कभी आप खुद जो नोटिस नहीं करते ना वो मैं मेरे के मेरे में नोटिस कर लेती हूँ और खुद जो बोल देती हूँ। बस इसका आटा गूंथती हूँ और एक दो आपको दिखा देती हूँ, फिर है ना सब बना लूंगी। और फिर अभी क्या बोलते हैं वो मीठा बनाने का जिसको दाबरा बोलते हैं, तो फिर उसकी भी सब तैयारी कर लूंगी। तो वो कौन कौन मीठा है ना, जस्ट गेहूं के आटे में वो गुड़ का पानी डाल के जैसा है वो बनाते हैं, वो मम्मी बोलती थी मेरी दादी बनाती थी। पर अभी क्या फैशन है उसके अंदर मसाला भरने की, तो फिर मैं आज वो जो मसाले वाला ट्राई करने वाली हूँ। मैं भी खुद फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, साथ में मम्मी है इसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो याद से मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेमन स्टाइल के ढोकरे कैसे लगे, अच्छे लगे नहीं लगे, और कमेंट लाइक शेयर जरूर करना। एक आपको बना के दिखा दूँ ना, फिर सब बना लेती हूँ। ये मेमन डिश है, तो मेमन में तो ऐसे सब बहुत डिशेस बनती है, मेमन खाने के थोड़े शौकीन भी बहुत रहती है और खिलाने के भी। बनाया बनाती हूँ मैं देखो ऐसा बनाने का रहता है, एक और बना लू जरा, ऐसा मुझे बनाना आता है नहीं आता। मम्मी बोलती है कम आता ले, कॉमेडी तो मेरे चैनल पे थोड़ी रहती है बाबा, तो मुझे ऐसा सीरियस होकर काम करना भी नहीं आता। बस अभी सब बना ले, ये बाजरे के आटे के ढोकरे हो गए है। अभी आपको बोली ना वो मीठा बनाने का रहता है जिसको दाबरा बोलते हैं वो, तो उसके लिए क्या चाहिए, ये गुड़ को मैंने जरा पानी डाल के मेल्ट किया है, और ये गेहूं का आटा है। कौन कौन ज्वारी के आटे से मीठा बनाते हैं, पर ज्यादातर गेहूं के आटे का रहता है, और अभी फैशन है उसके अंदर मसाला भरने की। तो इसके लिए ये गुड़ है और ये इमली का पल्प है, इसको इमली में जरा पानी डाल के उसका जो वो छोटा ने वो क्या बिया ने वो सब निकाल दिया है, जस्ट पल्प लिया है, और कोथमीर और लहसुन की पेस्ट है। तो पहला क्या करती हूँ, कौन कौन शक्कर के पानी से भी इसका आटा गूंथते हैं, इसमें जरा तेल डालती हूँ। कौन कौन शक्कर के पानी से भी ये करते हैं आटा गूंथते हैं, पर मेरा हमेशा कैसा रहता है मम्मी बोलती है अभी और तेल डाल। इसके लिए तो मेरे चैनल का नाम मुझे मम्मी की एडवाइस। फिर कौन कौन शक्कर के पानी यूज करते हैं, पर आपको पता है मेरा कैसा है, जिधर शक्कर के बिना चल सकते उधर गुड़ या मधु यूज कर सकते वो मैं यूज करती हूँ। तो अभी आपको अच्छा लगे तो शक्कर के पानी से आटा गूंदना, नहीं तो फिर गुड़ तो है बेचारा। और आप कितने यूट्यूब पे चैनल देखते होंगे, खुद खुद का कुछ ऐसा सच्चाई बताते नहीं है,
पर मेरा कैसा है आपसे जो रिश्ता वो मेरा सच्चाई से जुड़े, मेरे कुछ भी गलती रहते तो मैं खुद से एक्सेप्ट करती हूँ, आपको पता रहता है नहीं रहता मैं खुद से बोल देती हूँ। अभी ये भी मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ बाबा, मुझे नहीं आता ये डाबरा बनाने का। अभी भाई की शादी में उपलेटा गए थे ना, तब हम खाए थे ये डाबरा, तो उन्होंने भी जो वो पकाने वाली आंटी वो थी उसने भी अंदर मसाला नहीं भरा था, तो अभी फैशन है मसाला अंदर भरने की, तो फिर मैं बोली आज भरती हूँ। कौन कौन इसमें है ना अंदर में वो आलू का भी मसाला भरते हैं, जो हम कचौड़ी में बनाते हैं ना वो भी भरते हैं, कौन हमारे वो कच्ची में आलू चने बनाते हैं उसका भी मसाला भरते हैं। फिर मैं बोली आलू और आलू चने तो अभी सब ढोकले में है, तो अंदर कुछ न्यू भरने का ना है ना सब। और अभी अभी जो हमारे कच्ची में महीना है ना, उसको दाल का महीना तो बोलते, दूसरा कौन सा बोलते जिलाज मुझे मालूम नहीं कौन सा बोलते है, पर इसमें अभी मलिदा बनाने का रहता है, तो आपको वो मेरे चैनल पे है ना मलिदा की रेसिपी मिल जाएगी, किसी के चैनल पे नहीं है मेरे चैनल पे है, तो उसकी लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी भेजा। बस जैसा अभी रखती हूँ, रुक रुक अभी ये मसाला भी साथ में दिखा दूँ कैसा क्या भरने का है। ये कटी हुई कोथमीर है, इसमें ये गुड़ डालती हूँ अंदर का मसाला, अभी इतना डालती हूँ बाबा। और फिर ये लहसुन की पेस्ट है, इसमें मैंने नमक डाला है, और ये लाल मिर्ची पाउडर, देखते हैं क्या होता है। मेरे पापा को मीठे डाबरे पसंद है, और ये आमली का पल्प, ये इसका ऐसा मसाला खट्टा मीठा अच्छा लगता है ना, लगेगा ही आज तक हमने रेसिपी बनाई ये तो लगेगा ही। आमली भेजा, क्योंकि वो मम्मी को पूछ के जरा करना पड़ता है, देख सकते हो मस्त मसाला हुआ है, खाने का मन कर। जरा हाथ धो के एक आपको दाबरा बना के मैं वो दिखाई थी मसाला कितना पतला था, फिर देखो मेरा पोपट हुआ, वीडियो में नहीं दिखाई। ये बनाए तो लिक्विड ग्रेवी थी, फिर मम्मी बोली एक दो चम्मच गेहूं का आटा इसमें डाल, तो अच्छा से देख सकते हो मसाला अच्छे से हो गया है। तो अभी मुझे तो बनाना नहीं आता था, फिर मम्मी ने इसे दो बना के दिखाया, तो अभी एक आपको बता दूं, कुछ नहीं करने का इसकी, ऐसे ऐसे दो छोटी छोटी पूरी करने का, और इसमें जरा बीच में मसाला भरने का। अभी देखो मैं भी फर्स्ट टाइम आज कर रही हूँ, चलो मम्मी बोलती हूँ मसाला डाल, और मुझे बनाने ऐसा ये नहीं आता इसके लिए, और इसके ऊपर ये दूसरी इसकी पूरी छोटी छोटी बहन उसकी ना, इसको अच्छे से पैक करती हूँ और फिर सब ऐसे बना लेती हूँ, देख सकते हो ज्यादा नहीं डालने का मेरा। देखो फिर से ऐसा हुआ, मम्मी सुनती नहीं और अब यहाँ ये दाल है, पर इसको जिलकत भी बोलती है, तो मलिदे की रेसिपी आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे इजीली मिल सकेगी आपको, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अभी है ना ये सब मीठे बनाती हूँ, पर मैं नहीं मम्मी जी बनाने वाली है, और देख सकते हो भले रूडियो, और ये भी देख सकते हो ये सब देख सकते हो, सब बना लेती हूँ, बनाए मैंने भी। पहले पानी गर्म करने को रख दिया है, इसमें मैं तेल डाला है 1 बड़े चम्मच, तो चिपके नहीं, तो ये और ये वो थोड़े मेरे बिगड़े हुए थे, तो फिर मम्मी ने कुछ बिगड़ के सुधारा है, और इधर भी है मेरे चैनल पे आपको थोड़ी कॉमेडी तो मिलेगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सीरियस रहना कम हो जाता है, तो ये डालती हूँ और ये सब भी मीठे लाल फर्स्ट टाइम थोड़ी हंसी भी आती है, क्योंकि उल्टे सीधे काम में रहे हैं इसके लिए, और मीठे बनाए बना ना ऐसे आप भी कैसे कैसे देखो मैंने बनाया। और अच्छा लगा तो ये वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, मसाले वाले ने क्या किया मैंने किया।
कभी कभी तो खुद की रेसिपी देख के मुझे भी हंसी आती है। तो इसको है ना उबालने के लिए रखती हूँ, आप देख सकते हो नजदीक से अपने आप है ना उबाल आएगा ना, वो अपने आप छूटे हो जाएंगे क्योंकि हमने इसमें ऑयल डाला है। तब तक है ना मेरी जोर की नमाज भी पढ़ लो। ओके चलो बाय। ये जो हम सब्जी बनाई थी इसका लुक, और इधर आप ढोकरे का भी देख सकते हो। तो पहले हम मम्मी डालते, मम्मी तू डाल। वो पहले हम क्या कर देते हैं मतलब जो ढोकरे ने वो ये सब्जी ना सब साथ में पकाते थे, पर वो क्या होता था तेल एक्स्ट्रा वो ये ढोकरा पी लेता था बेचारा। अभी इसको मेरी मासी ने बोली अलग पकाने का, जिसकी वजह से वो तेल अच्छे से छूटता है। तो इसको जरा 1-2 मिनट पकाती, जिसकी वजह से वो तेल छूटेगा। और फिर अभी आपको सर्व करके दिखाती हूँ, मुझे भूख भी बहुत लगी है। तो अभी जरा 1-2 उबलाने दो। देख रहे हो अभी ये उबल लिया, उबल रहा है। मम्मी बोली अभी वो 2-3 मिनट और उबलने दे, पर तो भी मैंने तो क्या किया जल्दी इसमें बाल में भर लिया है थोड़े। तो इंशाल्लाह अब ये जरूर ढोकरा बनाना। कच्ची मेहमान स्टाइल के ढोकरे फेमस रहते हैं, और साथ में वो मीठे डाबड़े भी, डाबड़ा हाँ डाबड़ा। तो अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और अभी दाल का महीना है जिसको जिलकत बोलते हैं, तो आपको कच्ची मेहमान स्टाइल में मलिदा बनाते जे वो मन्नत खाने वो सब रहता है, तो मेरे चैनल पे उसकी भी रेसिपी मिल जाएगी। आप यूट्यूब पे सर्च करना मेहमान स्टाइल मलिदा, तो मेरा आएगी, मेरी वो मलिदे की रेसिपी आएगी। तो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ना लिंक दे दूंगी वो मलिदे की रेसिपी की, तो आप चेकआउट कर लेना। और ये ढोकरा कैसा लगा, अच्छा लगा नहीं लगा ऐसे कमेंट में बताना। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना आसिफ उंडेडा करके। अभी बहुत बोल दिया, भूख भी लगी है। चलो ओके, और आज कॉमेडी भी बहुत सारी हुई। तो अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। पहली बार देखो तो सब्सक्राइब और बेल का निशान भी दबाना। ओके बाय, अल्लाह।